जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से देश के नंबर वन सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, आज की बहुत ही बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सबसे पहली और बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, देश में फिर से कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लागू हुआ है नया नियम। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, घरों से बाहर निकलने पर लागू हो चुकी है रोक, साथ ही में स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बाहर निकलने पर लगाया जा रहा है जुर्माना, बिना परमिशन बाहर निकलने पर हो रही है कार्रवाई। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साथ ही में कोरोना के साथ यहां पर डेंगू के भी मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के इन राज्यों में बेहद ही तेजी से बढ़ रहा है खतरा, अब तक 250 लोग हो चुके हैं बीमार, 1500 लोगों की गई है जान। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आई है, इसकी पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। इसी बीच यहां पर शराब को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, बंद होने जा रही है शराब। दोस्तों, शराब के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने जा रहा है, शराब पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच दोस्तों, यहां पर दिवाली से पहले लोगों को बड़ा झटका लगा है, आम जनता को बड़ा झटका देते हुए अब आरबीआई ने कर दिया है बड़ा ऐलान, बैंकों से लोन लेना पड़ेगा महंगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी अपना लोन लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, पैसों की आवश्यकता है, बैंकों से लेने जाने वाले हैं, तो आपको यहां पर बहुत महंगा पड़ेगा। दिवाली से पहले आरबीआई ने आम जनता को बड़ा झटका दे दिया है, तो कितने कितने रुपए तक यहां पर जो है लोन की दरें बढ़ाई गई हैं दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी। इसी बीच नवरात्रि के बीच बेहद बुरी खबर आई है, मोदी सरकार ने बेहद ही बड़ा तोहफा यहां पर दिया है देश की आम जनता को, यहां पर जो है नवरात्रि के आखिरी दिन मिलने वाले हैं इतने इतने हजार रुपए अचानक खाते में आएंगे पैसे। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभार्थी हैं, अगर आप भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं या फिर ई श्रम कार्ड आपके पास भी है, तो नवरात्रि के आखिरी दिन मोदी सरकार आपके खाते में डालने जा रही है पैसे। 2000 के साथ ही अब आपको मिलेंगे 4000, कुल मिला के आएंगे बैंक खाते में 6000 रुपए, जान लीजिए पूरी खबर। इसी बीच दोस्तों, बैंकों को लेकर भी बेहद बड़ी अपडेट आई है, लगातार 5 दिनों तक बंद होने जा रहे हैं देश के संपूर्ण बैंक। दोस्तों, ब्रांचों में भी अपना कोई काम काज करवाने जा रहे हैं, बैंकों से जुड़ा कोई काम काज है, पैसे निकालने जाने वाले हैं, जमा करने जाने वाले हैं, तो 5 दिनों तक बैंकों में रहेगी छुट्टी, जरूर चेक कर लें इसकी पूरी लिस्ट। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर बेहद सस्ता हो चुका है, आम जनता के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है, अब यहां पर कंपनियों ने आम जनता को बेहद ही बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कर दी है बड़ी कटौती। कितने कितने रुपए तक रसोई गैस सिलेंडर के दाम में दोस्तों यहां पर कटौती की गई है, इस वक्त की ताजी अपडेट थोड़ी देर में आपको जानने को मिलेगी। और साथ ही में देश के इन 6 राज्यों में बेहद ही तेजी से बढ़ रहा है गंभीर खतरा। जी हां दोस्तों, इन 6 राज्यों में होने वाली है बरसात, फिर से शुरू होगी तेज भारी बारिश। दिल्ली NCR के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा झारखंड में भी जारी हुई चेतावनी। दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आई है, 6 राज्यों में फिर से भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट दी है। तो दोस्तों, यहां पर कब से कब तक बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, इसकी पूरी जानकारी। और इसी बीच अगली अपडेट, जी हां, मोदी सरकार देशवासियों को देने जा रही है बड़ा तोहफा, जल्द सस्ता होने जा रहा है खाने का तेल, सोना और चांदी के दामों में भी आएगी बड़ी कटौती। दोस्तों, यहां पर सरसों का तेल, खाने का तेल या फिर पाम ऑयल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, सभी की कीमतों में बेहद बड़ी कटौती होने वाली है जल्द ही। यहां पर देश की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, देशवासियों को बड़ा तोहफा देने वाली है, साथ ही साथ सोना और चांदी की कीमतों में भी यहां पर सरकार जल्द ही कटौती करने वाली है। दोस्तों, यहां पर एक बड़ी खबर आई है, इस वक्त की ताजी अपडेट आ रही है, संपूर्ण जानकारी, पूरी खबर आपको जानने को मिलेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर, यहां पर गाड़ियां घरों से बाहर निकलने से पहले जान लिया नया नियम, वरना अब कटेगा 10,000 का चालान, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी कर दिया जाएगा निरस्त। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आई है, अगर आप भी यहां पर अपनी 2-पहिया 4-पहिया गाड़ी निकाल कर घर से बाहर ले जा रहे हैं, रोड पर ले जाने से पहले इस नियम की पूरी जानकारी जरूर रख लीजिए, क्योंकि परिवहन विभाग ने एक संपूर्ण देश में लागू किया है नया नियम, अब इस एक खास कागज के बिना आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आई है, पूरी जानकारी जानने को मिलेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चलाने वालों को कंपनी ने दिया है बेहद बड़ा झटका, इतने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का जल्द बंद होगा खाता। दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आई है, व्हाट्सएप कंपनी ने एक बेहद बड़ा झटका देशवासियों को दिया है। भारत के कम से कम यहां पर 23 लाख ऐसे यूजर्स हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनका व्हाट्सएप जल्द होने जा रहा है बंद। दोस्तों, यहां पर बेहद बड़ी अपडेट आई है, किन किन 23 लाख लोगों का अकाउंट बंद करने जा रहा है व्हाट्सएप, इसकी संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इसी बीच आपको यहां पर बताते चलें, बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। बिजली बिल अगर आपके भी घरों में आता है, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, तो फटाफट से करवाएं यह छोटा सा काम, वरना अब आपको मिलेगी महंगी बिजली। जी हां दोस्तों, बिजली विभाग ने एक नया और कड़ा नियम संपूर्ण देश में लागू किया है, अगर आपके भी घरों में कनेक्शन है बिजली का,
तो फटाफट से छोटे से काम करवा लीजिए वरना अब आपका बिजली हो जाएगी महंगी। तो चलिए संपूर्ण खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से हर दिन तमाम बड़ी खबरों की जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर पहुंचती रहें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगली बड़ी खबर यहां पर बैंक खाता धारकों के लिए बेहद बुरी खबर आई है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो फटाफट से इस काम को करवा लीजिए अगर आप, वरना आपका पेंशन मिलना हो जाएगा बंद। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ताज़ी अपडेट आ रही है, अगर आपके भी घरों में किसी को भी पेंशन मिलती है, पेंशन का पैसा आपको यहाँ पर मिलता है, आपकी दादी जी हैं, माता जी हैं, बहन जी हैं, किसी को भी पैसा मिलता है, आपके पिताजी हैं वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पर पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। फटाफट से इस काम को करवाएं, आधार कार्ड को लेकर जारी हुआ है नया नियम। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन लेने वालों के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है अभी तक तो अब आपकी पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। लाभार्थियों को पेंशन मिलना हो जाएगा बंद। आप यहाँ पर महिला पेंशन योजना लेते हैं, विधवा पेंशन योजना लेते हैं, किसी प्रकार की पेंशन आप लेते हैं, फटाफट से अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए बैंक अकाउंट से, वरना आपको पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। इस वक्त की ताज़ी अपडेट। और वहीं अगली बड़ी खबर पेट्रोल और डीजल को लेकर बेहद बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट्स जारी हो चुके हैं, एकदम सस्ता हो चुका है पेट्रोल, 79 रुपए प्रति लीटर पर आ चुके हैं दाम। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अभी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बीच यहाँ पर जो है डेंगू के मामले यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, तेजी से पनप रहा है डेंगू। जी हाँ दोस्तों डेंगू बुखार के यहाँ पर बहुत ज्यादा मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दी जाए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। बता दी जाए यहाँ पर 250 यहाँ पर डेंगू की किट को जाँच करवाने के लिए मंगाया गया है। यहाँ पर जो है डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पर जो कारण बताया जा रहा है, कहा जा रहा है बरसात यहां पर खत्म हुई है, इसके चलते कई जिलों में यहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारी बारिश के बाद पानी का जमाव हो चुका है, जहां पर डेंगू का लार्वा तेजी से फैल रहा है। तो आप भी अपना बचाव करते रहें क्योंकि डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आज की बेहद बड़ी अपडेट, अगर आप भी बैंकों से लोन लेने जाने वाले हैं तो लगेगा बड़ा झटका। दिवाली से पहले आरबीआई ने आम जनता को दिया है बेहद बड़ा झटका। दोस्तों बता दीजिए यहाँ पर अब आरबीआई ने एक बड़ा झटका देशवासियों को दिया है। अगर आप भी दिवाली से पहले अगर आप भी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, घर बनवाना है, कुछ भी करवाना है, अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको बेहद बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आरबीआई ने दिवाली से पहले यहाँ पर जो है रेपो रेट की दरों में तेजी से बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर संपूर्ण देश में तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रेपो रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है, 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर जो है रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद अब आपको यहाँ पर जो है 5.90% तक रेपो रेट मिलने वाला है, यानी कुल मिला के अब आपको यहाँ पर जो है लोन लेना महंगा पड़ेगा। और देशवासियों को ये बेहद बड़ा झटका लगा है, दिवाली से पहले आरबीआई ने आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। और वहीं अगली अपडेट की बात करें दोस्तों यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बेहद बड़ी अपडेट आई है, सस्ता हो चुका है रसोई गैस सिलेंडर, देशवासियों को मिली खुशखबरी। दरअसल दोस्तों अगर आप यहाँ पर देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो अब आपको रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। रसोई गैस सिलेंडर कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कंपनियों की ओर से बड़ी कटौती कर दी गई है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 25.50 रुपए सस्ता मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों कहीं पर भी बात करें, चाहे होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर आपके आसपास जो यहाँ पर कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में अब 25.50 रुपए के दाम से यहाँ पर जो है कमी होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ बता दीजिए आपके घरों में जो यहाँ पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है 14.2 kg वाला, फिलहाल उसकी कीमतों में किसी प्रकार की यहाँ पर जो है कमी नहीं की गई है, यानी कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जस का तस बना हुआ है, उसकी कीमतों में किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है। लेकिन कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 19 किलो वाला प्रति सिलेंडर के हिसाब से 25.50 रुपए की प्रति किलो के प्रति यहां पर सिलेंडर के हिसाब से कमी कर दी गई है, यानी कि अब आपको बेहद ही बड़ी राहत दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को खुशखबरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों सोना और चांदी के साथ ही साथ आपका यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर, साथ में यहाँ पर खाने का तेल, सरसों का तेल हो चुका है सस्ता। दोस्तों बड़ी कटौती का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से कर दिया है, देशवासियों को यहाँ पर आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में, सोने की कीमतों में बेहद बड़ी कटौती का यहाँ पर जो है फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सस्ता होने जा रहा है सोना चांदी, साथ में खाने का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल। जी हाँ दोस्तों बता दीजिए मोदी सरकार
सरकार ने ऐसा यहाँ पर किया है क्योंकि देशवासियों को यहाँ पर खाने के तेल की कीमतें तेजी से महंगी होती हुई दिखाई दे रही थी। सोने और चांदी की कीमतों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी दिखी जा रही थी। इस बीच यहाँ पर मोदी सरकार ने इसमें यहाँ पर बेसिक इम्पोर्ट प्राइस होता है यानी आधार आयात कीमत होती है उसमें बड़ी कटौती कर दी है। कुल मिला के अब आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में सरसों का तेल हो गया, खाने पीने का तेल हो गया या फिर रसोई गैस सिलेंडर हो गया या फिर सोना चांदी, इनके सभी की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिलने वाली है। आने वाले दिनों में सस्ते होने जा रही हैं ये तीनों ही चीज़ें। और वहीं अगली अपडेट की बात करें तो घरों से बाहर मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं तो जान लीजिए नया नियम। इस एक कागज़ के बिना अब आपकी गाड़ी का कटेगा चालान, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी हो जाएगा निरस्त। दरअसल दोस्तों इस वक्त की ताज़ी अपडेट आ रही है, आपको यहाँ पर फटाफट से ज़रूर जान लेनी चाहिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देश के एक राज्य दिल्ली में, जी हाँ देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर परिवहन विभाग की ओर से, देश के यहाँ पर जो है सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से दिल्ली में तेज़ी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए एक नया नियम और सख्त नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक आप भी अपनी दो पहिया चार पहिया गाड़ी दिल्ली में लेकर जा रहे हैं तो आपके पास में PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। यही नहीं, इस नए नियम के मुताबिक अब आपको यहाँ पर PUC सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या फिर डीजल नहीं दिया जाएगा यानी तेल भराने भी आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास में PUC सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों बता दीजिए ये नियम अभी दिल्ली में ही लागू किया गया है तो इस नियम का खासा ख्याल रखें अगर आप भी दिल्ली आने जाने वाले हैं। और वहीं अगली अपडेट की बात करें तो आज दरअसल बेहद ही बड़ी खबर आई है बैंकों को लेकर। दरअसल दोस्तों अगले 5 दिनों तक बैंकों में रहेगी छुट्टी, ब्रांच जाने से पहले फटाफट से जरूर कर लें चेक वरना बीच में ही लटक जाएगा काम। दोस्तों यहां पर बैंकों को लेकर बेहद बड़ी अपडेट आई है, जी हां बैंकों में यहां पर 5 दिनों तक लगातार छुट्टी देखने को मिलने वाली है। अक्टूबर में कई त्यौहार पड़ रहे हैं इसके चलते यहां पर छुट्टियों की एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट आ चुकी है। कुल मिला के इस सितंबर महीने में 21 दिनों तक बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। दोस्तों यहां पर दिवाली त्यौहार, छठ पूजा या फिर दशहरा हो गया, इन सभी त्यौहारों के बीच यहां पर 21 दिनों तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। हालांकि दोस्तों लगातार जो छुट्टी रहेगी वो 5 दिनों तक रहने वाली है। जी हां दोस्तों बता दीजिए 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक लगातार 5 दिनों तक बैंकों में यहां पर छुट्टी रहने वाली है। इस बीच अगर आप भी अपना बैंक से जुड़ा कोई कामकाज निपटाने जाने वाले हैं तो फटाफट से आप यहां पर पहले ही निपटा लें अन्यथा बाद में आपका काम लटक भी सकता है। और वहीं अगली अपडेट की बात करें तो बेहद बड़ी अपडेट आई है, शराब पीने वालों को लगा है बेहद बड़ा झटका। दोस्तों शराब को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ी यहां पर अपडेट दे दी है, सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, क्या शराब होने जा रही है बंद। जी हाँ दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आई है, एक बेहद बड़ी अपडेट आ रही है, बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। यहाँ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार की ओर से बेहद ही कड़ाई बरतने का ऐलान कर दिया गया है। अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो फटाफट से इस नए नियम को जरूर जान लें। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बिहार में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर शराबबंदी कानून संपूर्ण रूप से लागू है पूरे प्रदेश में। ऐसे में अगर आप यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर समीक्षा भी की गई है तो आपको बता दी जाए कि पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों में शराबबंदी कानून यहां पर सख्त रूप से लागू किया गया है और शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर आई है क्योंकि सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, शराब पीने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के दिए गए हैं निर्देश। इसी के साथ अगली अपडेट की बात करें तो नवरात्रि में बेहद बड़ा तोहफा मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ देश के सभी गरीब मजदूर श्रमिक किसान ई श्रम कार्ड धारकों को बेहद बड़ा तोहफा, नवरात्रि के आखिरी दिन बैंक खाते में अचानक मोदी सरकार डालने वाली है इतने इतने हजार रुपए। दरअसल दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, पीएम किसान योजना में अगर आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो मोदी सरकार नवरात्रि में पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा भेज सकती है। जी हां मोदी सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली हैं और ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत में ही खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे। यही नहीं दोस्तों आपको बताते चले अगर आपने पीएम किसान योजना का 11वीं किस्त आपको नहीं मिली है तो फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं, जल्द ही मोदी सरकार यहां पर 12वीं किस्त का भी पैसा डालने वाली है। हालांकि दोस्तों 30 सितंबर को यह पैसा आने वाला था लेकिन यहां पर इस बार लेट हो रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, यानी कि यहां पर कुछ ऐसी खामियां हैं यहां पर जिसके चलते अभी तक पैसा मोदी सरकार ने लोगों के खाते में नहीं डाला है। तो दोस्तों 11वीं किस्त का पैसा आपके खाते में पहुंचा है या फिर नहीं, कितना पहुंचा है कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीं अगली अपडेट की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नकली दवाओं के कारोबार पर अब लगेगी नकेल, अब सभी दवाओं पर लगाया जाएगा QR कोड, जारी हुआ नया आदेश। दोस्तों इस वक्त की ताजी अपडेट आ रही है, अगर आप यहां पर नकली दवाओं के खरीदने से परेशान हो चुके हैं तो सरकार जल्दी एक बड़ा अपडेट देने वाली है, जितनी भी दवाइयां हैं सभी पर अब QR कोड लगाया जाएगा। अभी जिस प्रकार से आप यहां पर पेटीएम के जरिए, फोनपे के जरिए, गूगल पे के जरिए पैसे किसी को भी QR कोड स्कैन करके भेज देते हैं, अब उसी प्रकार से पता कर पाएंगे कि दवाई आपकी नकली है या फिर असली है, वो भी बैठे बैठे अपने फोन से ही ये पूरी जानकारी ले पाएंगे।